हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अम्बाला छावनी में निशा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर निशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने महामहिम राज्यपाल महोदय को फूलों का गुलदस्ता देकर तथा शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया और निशा की शिक्षा के क्षेत्र में चल रही विभिन्न गतिविधियों एवं भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मंथन कार्यक्रम में सारे देश के स्कूलों को डिजिटल करने का भी ऐलान किया गया। निशा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने यह ऐलान किया। कुलभूषण ने बताया कि कोविड के दौरान जो बच्चों को नुकसान हुआ है उसे कैसे पूरा किया जा सकता है, इसी को लेकर यह कार्यक्रम किया गया है जिसमें महामहिम राज्यपाल को निमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि इसमें लॉन्च में एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है जिसमें बच्चों को कैरियर चुनने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि निशा ने सारे देश के स्कूलों को डिजिटल करने का भी फैसला इस मंथन कार्यक्रम में लिया है। उन्होंने कहा कि 4 लाख स्कूलों को डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में पूरे देश से लोग आए हुए हैं। महामहिम राज्यपाल ने निशा को ये महत्वपूर्ण समिट आयोजित करने पर हार्दिक बधाई वे शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने निशा द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट का भी विमोचन किया। शिक्षा से संबंधित इस कार्यक्रम मंथन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे महामहिम राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि आज के समय में शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। शिक्षा से व्यक्ति में अच्छे संस्कार आते हैं और वह जीवन में नई ऊंचाइयों को छूता है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि यह समिट शिक्षा के क्षेत्र में सुधार में एक मील का पत्थर साबित होगी। शिक्षा एक ऐसी है माध्यम है, शिक्षा से आदमी का ऊंचा स्तर बढ़ता है, नैतिकता बढ़ती है, बहुत महत्व है। और बेरोजगारी को, बेरोजगारी का अगर कोई आविष्कार है, दवा है, तो वो है शिक्षा। शिक्षा ही बेरोजगारी को दूर कर सकती है। शिक्षा के बिना, शिक्षा के बिना ऐसा से बेरोजगार नहीं मिल सकते। किसी को पैसा देकर, कुछ देकर हम लोग उसको शिक्षा में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए क्वालिटी एजुकेशन मोस्ट नेसेसरी। और वैसे ही पढ़ने के बाद विद्यार्थियों को हम ध्यान में लाना चाहिए। और इसमें लॉन्च किया गया लॉन्च माई कैरियर, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिससे बच्चों को कैरियर में जो है कैरियर चुनने में फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत मदद मिलेगी और सारे देश के स्कूलों को डिजिटल करने का भी फैसला निशा ने इस मंथन कार्यक्रम में लिया। कब तक हो जाएगा डिजिटल और कितने स्कूल है? ये सर ये शुरुआत हो चुकी है, 1000 स्कूल कर चुके हैं और आगे आगे प्रोसेस जो अप्लाई कर रहा है वो होता जा रहा है जिससे लाखों करोड़ों रुपए का फायदा जो है स्कूल संचालकों और अभिभावकों को। कितने स्कूल है जो हम 4 लाख स्कूलों को डिजिटल करने के हमारी योजना है। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुलकर की रिपोर्ट।